आर्थिक न्याय का नारा बुलंद करके आरजेडी इस बार चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव का ही एकमात्र चेहरा, जैसा कि कभी लालू प्रसाद यादव का रहा करता था, अब इस तर्ज पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है और काफी आक्रामक तरीके से। आरजेडी दफ्तर में हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर चुनाव प्रचार की तैयारियां की जा रही हैं, अंदर व्यावसायिक प्रकोष्ठ की मीटिंग चल रही है और बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार मुश्किल है सरकार। जी, इस बार जो है तेजस्वी की लहर चल चुकी है, इसलिए तेजस्वी सरकार बनना निश्चित है और नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देना बिहार से जो बाहर, ऐसा हो पाएगा? निश्चित होगा, तेजस्वी जी की तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और इसलिए होगा कि नीतीश जी ने नारा दिया था, जितनी भी घोषणा की थी सब के सब धरातल पर फैल है, कहूं कुछ नहीं है। और नीतीश जी के नेतृत्व में 15 वर्ष के नेतृत्व में 54 प्रकार का घोटाला हुआ, एक भी घोटाला आज को सजा नहीं हुई, जेल में नहीं गया। आज तक जनता देख रही है कि नीतीश जी का जो नारा है वो खोखला है। लेकिन वो लोग तो इतने मजबूत हैं, एनडीए चार चार पार्टियां एक साथ, आपके जीता नाम मांझी भी उधर चले गए, फिर कैसे भी होगा बेटा? देखिए, मांझी को तो कभी तरजीह दिया भी नहीं गया, उनको तो बुलाया जाता है, वो तो खुद चाहते थे कि हम आकर के इसमें कुछ हिस्सा ले लें और अपना बांट लें, सीट ले लें, लेकिन उनको तो इसमें कोई हिस्सा मिलने, वहाँ भी गए तो उनका क्या स्थिति रहेगा, सिर्फ दूसरे पार्टी के कंधा पर रख करके वो अपना से कुछ सीट जीत लेते हैं, ऐसा है। लेकिन लग तो रहा है कि आपके मुकाबले वो लोग थोड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बिहार का जो युवा है, युवा पीढ़ी मन बना चुकी है कि इस बार ये सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। आप सोचिए ना कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए यहाँ स्वयं उपराष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि 10 विश्वविद्यालय का हमने लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें हम जो है उनको घोषणा करेंगे। क्या अभी तक घोषणा हुई? यहाँ जो है एजुकेशन का यह हाल है कि ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल में दिया जा रहा है, सारे यूनिवर्सिटी का यह हाल है कि मगध यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही है, छात्र और युवा बेरोजगार है, एसएससी का एग्जाम जो है 2014 में ही हुआ था, आज तक रिजल्ट बिहार सरकार ने नहीं दिया है, रोजगार जो दरोगा में जो वैकेंसी निकाली गई है, कई छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, यहाँ कोई भी वैकेंसी होता है ऐसा नहीं होगा उसमें घोटाला नहीं हुआ होगा। बीपीएससी का जो चेयरमैन है उसने खुद कहा कि 25 लाख रुपया लेकर के यहाँ सीट बेचा जाता है। जिस राज्य में युवाओं के साथ इस तरह का छलावा हो, युवाओं के साथ इस तरह का धोखा हो, तो वैसे मुख्यमंत्री को किसी भी पद पर रहने का जरूरत नहीं है। इस बार युवा मन बना चुका है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में परिवर्तन लाएगी। आरजेडी तो जोश में है, लेकिन आपके सहयोगी कांग्रेस का तो जोश गायब है, फिर कैसे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? एकदम कांग्रेस जो है हम लोग के साथ, इनफैक्ट है कांग्रेस हम लोग के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल का एकमात्र चेहरा है, बिहार का चेहरा है, वो तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी यादव जी के साथ पूरा जन सैलाब है, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं वो सिर्फ तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं, इसलिए कि तेजस्वी जी में जज्बा है, तेजस्वी यादव में। युवाओं को रोजगार की सवाल हो या बेरोजगार की सवाल हो या चाहे हक और हकूक की सवाल हो या नौजवानों का जो है, आज इतना महामारी है, आज सारे लोग लॉकडाउन में, जिसको लाठी बरसाया गया है नीतीश कुमार, जिसको पैदल सैकड़ों किलोमीटर तक चल करके आया है, आज वो सब परिवार आंसू बहा रहा है, कोई रोजगार उन लोग के नहीं है, सिर्फ कागज पर जो है 1000 रुपया 500 रुपया बांटता हुआ दिखाया जा रहा है। ये आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं और वैसे भी आरजेडी के कार्यकर्ता आक्रामक तरीके से बोलने के लिए भी जाने जाते हैं, ये लोग तो पूरे जोश में है, लेकिन इस जोश से क्या वो नीतीश की सत्ता को चुनौती दे पाएंगे बड़ी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ पर चुनाव बेहद आक्रामक तरीके से आरजेडी तेजस्वी यादव के एकमात्र चेहरा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ती हुई दिखाई दे रही है।